हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो आज मैं न्यू व्लॉग लेके आई हूँ और ये बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है। व्लॉग को एंड तक लाजमी देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। आज मैं जा रही हूँ PAF म्यूज़ियम एम्यूज़मेंट पार्क, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ से मिलता है टिकट। यह है PAF, नाम तो सुना ही होगा, बहुत फेमस जगह है। से मिलते हैं टिकट। ओके, सो ये है PAF, यहाँ से अभी हमने एंट्री करी है। ये प्लेलैंड, ये यहाँ पे नज़र आ रहे हैं सारे झूले हैं। ये अभी एंट्री करी है हमने और ये है म्यूजियम गिफ्ट शॉप, यहाँ से चाहे तो कुछ ले सकते हैं। ओके, सो अब हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठ गए हैं क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है, तो अभी हम कुछ खा लेंगे क्योंकि हम लेके आए हैं थोड़ा सामान साथ। देखें कितना अच्छा वेदर हो रहा है, और आज था सूरज ग्रहण। ये है प्लेन, और ये सारे यहाँ पे हैं रडार। अभी मैं आपको करीब से जाके दिखाऊंगी। ये सब रडार हैं, यहाँ पे सब एयरफोर्स की चीज़ें हैं, सब एयरफोर्स की चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे प्लेलैंड भी बना हुआ है, वो जो दिख रही है लाइट्स, वो सब प्लेलैंड है वहाँ पे। और उधर सीधा है म्यूज़ियम है, वो भी अभी आपको चल के दिखाएंगे। और ये सब है यहाँ पे प्लेन्स हैं, ये सारे, ये सब रियल हैं। ओके, सो हमारी छोटी सी पिकनिक चल रही है और हम साथ लेके आए थे बिरयानी। देखें सब चल रही है यहाँ पे, और ये सब झूलों की लाइट्स ऑन हो चुकी हैं क्योंकि अब रात होने वाली है। ओके, सो एक ये प्लान है पर इसके अंदर नहीं जा सकते, बस ऐसे ही देख सकते हैं, यहाँ पिक्चर्स बनवा लें। एक ये है और एक घोड़ा, और ये है बहुत बड़े हैं। ये दूर से छोटे लग रहे थे पर करीब आके देखा ये बहुत बड़े हैं साइज में। ये टैंक है, ये भी बहुत बड़ा है, ये दूर से लग रहा था ऐसा पर ये बहुत बड़ा है करीब से। रडार है, एक ये रडार है, और इन सब के यहाँ पे ये हिस्ट्री भी लिखी हुई है कि कैसे कैसे क्या हुआ था इसके साथ। एक ये रडार है, ये डिफरेंट है थोड़ा, PS6 रडार नाम है इसका, इसके बारे में सब लिखा हुआ है। ये देखें, ये है टैंक, इसकी लाइट्स ऑफ करी हुई हैं, आई डोंट नो व्हाई। ये सब मिसाइल हैं, ये सब रियल हैं, ये यहाँ पे रखे हुए रेंज लिखी हुई है वेपन्स। हमें एक और ये चीज़ दिखी है दूर से, तो अब हम इसके पास जाके देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। सो मैं ये पास आ गई हूँ, ये एग्जैक्ट ये हेलीकॉप्टर ही है, बिल्कुल सही गैस किया था मैंने। अब यहाँ से कैसे जाएँ, यहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा। ये है हेलीकॉप्टर, ये दूर से छोटा लग रहा था पर ये बहुत बड़ा है। ये देखो, ये है हेलीकॉप्टर, इनके डोर लॉक किए हुए, इनके अंदर नहीं जा सकते। इसके भी हम देखते हैं कि इसके साथ क्या हुआ था जो ये यहाँ पे आया है। का नाम है H-43B, वापसी यहीं से जाना है। ये सब यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें, यहाँ पे है ज्वेलरी, क्या प्राइस है कल इनके, 150 रुपए की सेल है। ठीक है, सेल। ये है यहाँ पे ज्वेलरी, सब 150 की है।
ये स्टॉल है एक ज्वेलरी का, यहाँ शोपीस की चीजें भी हैं। ये सब अंकल 150 के हैं। ये है कैमल शोपीस है, ये भी 150 का है। बहुत सारी चीजें ऐसे, सामने पैरट्स है, ये देखें 150 के दो हैं, ये रिंग्स हैं ये। सो वहाँ पे है वो म्यूजियम, अब हम जा रहे हैं वहाँ। ये म्यूजियम के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। सो हम म्यूजियम पहुँच चुके हैं, ये म्यूजियम है ये अंदर पूरा। हवाले से यहाँ हर चीज़ है, ये हर तरीके के यहाँ प्लेन्स हैं, यहाँ पे सारे यूनिफॉर्म्स हैं जो शहीद हो चुके हैं उनके यूनिफॉर्म्स हैं यहाँ, उनके पिक्चर्स हैं यहाँ, पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है कौन सी जंग कब हुई थी क्या हुई थी, कौन सा एरोप्लेन किस जंग में क्रैश हुआ था, इन सब है यहाँ। ये देखें यहाँ पे सब यूनिफॉर्म्स हैं ये एयरफोर्स के, पूरी हिस्ट्री है यहाँ पे। ज़रूर आइएगा, विज़िट करिएगा, बहुत अच्छी। कितना बड़ा है, ये सब रियल हैं, ये सब रियल हैं। और यहाँ बहुत आवाज़ गूंजती है क्योंकि ऑब्वियसली ये खाली जगह है। ये लिखा हुआ है सब कायदे आज़म के बारे में लिखा हुआ है, ये है कायदे आज़म और फातिमा जिना की डमी लगाई हुई है यहाँ पे। और ये यहाँ पे ये गार्ड भी खड़े हुए हैं कि इसके बिल्कुल टच नहीं कर सकते, तो ये बहुत बड़ा है, लोग इसके अंदर जाने की भी कोशिश करते हैं फिर, तो इसलिए देखें सब लिखा हुआ है यहाँ पे। ये पता नहीं क्या है, ये पासपोर्ट वगैरह कुछ है आई थिंक, सो सब लिखा हुआ है कॉपी और ये पासपोर्ट है कायदे आज़म के। देखिए सीटी बजा रहे हैं, लोग आने की कोशिश करते हैं, इस पिक्चर में जो जो हैं ये उनके नाम लिखे हुए हैं। ये है तो सो देखें। और यहाँ गर्मी बहुत हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ। ये देखें ये सब इन्होंने बनाया हुआ है, इसके नाम है, ये सब लिखा हुआ है इनके बारे में। ये देखें ये पायलट का ड्रेस रखा हुआ है, ये अंदर जाने का रास्ता है, ये सब बंद करा हुआ है, यहाँ पे भी बहुत सी मशीनरी रखी हुई होती है बट ये बंद करा हुआ है अभी। सो ये देखें सब है पाकिस्तान एयरफोर्स। सब इंजन्स रखे हैं एरोप्लेन्स, ये सब इंजन्स हैं और ये सब रियल हैं, जो ख़राब हो चुके हैं ये सब वो हैं। देखिए लिखा हुआ है प्रोपेलर इंजन, ये देखें ये सब इंजन्स हैं, ये तो ये पंखड़ियाँ हैं
ये सब रियल इंजन से ही ख़राब हो चुके हैं, ये सब रियल हैं। देखिए इसके साथ ये भी खड़ा हुआ है पायलट, ये देखें सब बिल्कुल रियल है ये। ओके साहब मैं जा रही हूँ यहाँ अंदर, ये कुछ पुराने ज़माने की चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ, तो देखते हैं ये क्या चीज़ है, आई डोंट नो, इस पर लिखा हुआ होगा कहीं तो। ब्लैक कलर, आई डोंट नो कि ये क्या है, इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर ये सब बहुत पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, सब एयरफोर्स की हैं। डोंट नो पे क्या क्या है, ये सब रियल है बिल्कुल, ये देखें ये सब बिल्कुल रियल है। अभी नहीं पता मुझे कि ये क्या है इस, इनके बारे में अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ ये रहा ये लिखा हुआ है यहाँ पे कंट्रोल एंड रिपोर्टर। ओके तो ये है कंट्रोल एंड रिपोर्टर सेंटर, ये एयरफोर्स का है, उनके ऑफिस में होता है ये, इससे सब चीज़ें कंट्रोल करते हैं यहाँ से सब और देते हैं। ये देखें ये कीबोर्ड है, यहाँ से इंडिकेशन देते हैं एरोप्लेन को। ये सब भी मशीनें हैं ये सब मशीनें हैं यहाँ पे, सब इंफॉर्मेशन यहाँ सब लिखी हुई है। अभी देखते हैं, ये देख लग रही है बुलेट लग रही है ये, मुझे बिल्कुल नहीं चल रही है। ये है सब इसके बारे में मालूमात, ये रखा हुआ है ये इनके सामने, यही चीज़ रखी हुई है जो यहाँ पे ये है। अच्छा म्यूज़ियम बहुत बड़ा है ये, यहाँ पे भी है ये ऊपर भी है। ओके एक और ये मशीन है कोई, ये कोई मशीन है ये, इसका मुझे नाम नहीं पता, बस ये रखी है सब नहीं इसको आराम से। बहुत बड़ा है ये म्यूज़ियम, सो अभी हम पूरा दिखाएंगे आपको, अभी तो ये थोड़ा सा ही हुआ है बिल्कुल, अभी हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है और ऊपर ये सब पिक्चर्स लगी हुई हैं सब कर्नल्स की, सारे पायलट्स की, फौजियों की, इन सब की जो है ना ये पिक्चर्स लगी हुई हैं यहाँ, सो फायदा नहीं है जब सब यहाँ से दिखे। अच्छा आप यहाँ पे आएंगे तो आपको खुद ही यहाँ मज़ा आएगा, देखेंगे आप यहाँ पे कितनी सारी इंफॉर्मेशन हैं यहाँ एयरफोर्स के बारे में। ये यहाँ पर सब चीज़ हैं, मैं जा रही हूँ यहाँ से बाहर, यहाँ पे है सुकून, अंदर बहुत गर्मी थी। सब ये फूड कोर्ट है, यहाँ पे सब रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं और यहीं से एंटर होने का रास्ता है प्लेलैंड का। सो ये देखें अब हम जा रहे हैं प्लेलैंड, क्योंकि हमने खा लिया है तो हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है बच्चे निकल निकल के भाग रहे हैं यहाँ प्लेलैंड शुरू हो गया ना, तो यहाँ बच्चे निकल निकल। सो देखें ये है पूरा प्लेलैंड, या सब लाइन से जुड़े जुड़े। बैठना डोजिंग कार में, अंकल डोजिंग कार का टिकट कितने का है? ये 100 रुपीज। अच्छा सारे टिकट यहाँ पे इतने तक के ही हैं, इससे सस्ते कोई नहीं है यहाँ पे। और ये है डोजिंग कार, बैठ चुकी हूँ टिकट लेके अपना, सब बैठ रहे हैं। इतना प्यारा इस झूले को डेकोरेट किया हुआ है लाइटिंग, सो देखें सो ब्यूटीफुल एलईडी लाइट्स हैं ये। अब हम ये थोड़ी जगह थोड़ा सा बैठ चुके हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी हैं इंडोर गेम्स हैं, ज़्यादा कोई ख़ास झूले नहीं हैं यहाँ बट हैं, हर जो और पार्क्स के मुकाबले में यहाँ झूले हैं। हम यहाँ बैठे हुए हैं और मुझे ये झूला नहीं झूलने दिया जा रहा है, हम
वो पीछे वाला झूला बंद है, हाँ। करने बैठे हैं ये लोग, देख रही हैं कि ये झूला कैसा चलता है, उसी हिसाब से फिर हमें बैठने देंगी, वरना हमें नहीं बैठने दिया जा रहा। और ये झूला स्टार्ट हो गया चलना, ओके। सो फाइनली डिसाइड हो गया कि हम उस झूले में नहीं बैठ रहे हैं, तो अब हम जा रहे हैं घर। सो इसलिए लैंड से अब जा रहे हैं हम बाहर। फ्रेंच फ्राइज वगैरह हैं, आइसक्रीम्स हैं, यहाँ खाइए। ये सही कह रही हो, ये ऊपर है ना इसलिए हो रहा है, वरना इतना तेज़ चल नहीं रहा है, इसलिए डर लग रहा है क्योंकि ये ऊपर। यहाँ पे ये कुछ तुर्किश आइसक्रीम बता रहा कुछ कर रहे थे। ये देखो बच्चा कहाँ बैठा हुआ है। भाई किधर जा रहे हो, इतने से बच्चे हो तुम, खो जाओगे। खा के ले जाए, इसको मिलेगा भी नहीं, इतना बड़ा पार्क है ये। सो आप लोग आए तो अपने बच्चों का प्लीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे जो ना बच्चे खो जाते हैं। और यहाँ कोई ऐसा ऐलान करने वाली भी जगह नहीं है, खुद ढूंढो। ये एक यहाँ पे चेयर मिल चुकी है, चेयर टेबल, सो हम यहाँ बैठेंगे गंदी। ओके सो आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आप लोग वीडियोस तो देखते हैं पर प्लीज़ वीडियो को, चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर दिया करें प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी। और जहाँ से हम इंटर हुए थे ये वहीं से वापसी बाहर जा रहे हैं, ये पार्किंग है सामने से, हमने टिकट लिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।